कल जो मैंने पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे। You bloody bitch! देवा भाई, अंजलि के ऊपर किसी ने एसिड फेंका। माँ, वो तू जानता था ना, तुझे मालूम था ना कि वो होम मिनिस्टर का बेटा अंजलि के पीछे पड़ा हुआ है, तो तूने बात छुपाई कैसे, बताया क्यों नहीं? आकाश, अगर तुमने बताया होता तो आज इस हॉस्पिटल में अंजलि की जगह वो होता। जा, तू भी जाके देख ले, 15 नंबर कमरे में पड़ी है, जाके देख क्या हाल कर दिया उसका। सब इसकी वजह से। पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। मुझे मेरे बेटे के हत्यारे की लाश चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपको
बता दें, आज होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे की बेटी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि ये हत्या बदले की भावना से की गई है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे से हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ही दिनों में कातिल सामने आ जाएंगे। यूएसए निमन, इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ओए, चल बोल, तू नहीं मारा ना उसको। मेरी बहन कैसी है? अबे ओए, क्या पूछ रहे तेरे से? पहले बताओ मेरी बहन कैसी है। पहले तू ये बता कि तूने उसे मारा है कि नहीं। पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। अरे बावड़ा हो गया क्या? तेरे से जो पूछ रहे उसका सुद्धा सुद्धा जवाब दे। तुम लोग क्यों नहीं बताते मेरी बहन कैसी है? अबे सब बता देंगे, पर तू ये कबूल कर कि तूने शिंदे साहब के बेटे को मारा है। तुम लोग पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। ओए तू ऐसे नहीं मारेगा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो सबसे पहले मुझे जान से मार देना। जी राजतिलक जी। शर्मा जी, ये पुलिस वाले एक बेकसूर इंसान को कस्टडी में लिए हुए हैं। कौन है वो? देवधर, सन ऑफ सीता देवी। और किस थाने में है? जनकपुरी थाने में। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि जब मैं अपने घर पहुंचूं, वहां मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। जी देखिए, झगड़ा टंटा और बहसबाजी का कोई मतलब नहीं है। शिंदे साहब के बेटे ने जो कुछ किया है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। छवि खराब हुई है? हर तरफ थू थू हो रही है, पार्टी के नाम पर धब्बा लग चुका है। अब शिंदे साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? तुम दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया और एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? शिंदे साहब बौखलाहट में ये उल जुलूल बातें हमसे न करें। अपना कीचड़ दूसरों पर डालकर साफ सुथरे नहीं हो पाएंगे आप। आपके बेटे ने जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। मनोहर शिंदे, कुर्सी छोड़ो। चुप, शांत हो जाइए। शिंदे साहब, आप मेरे साथ अंदर चलिए। आइए। मनोहर जी, होता है राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता है। ऐसे वक्त पर जब हवा आपके खिलाफ हो, फैसले बहुत धैर्य और सूझबूझ से करने चाहिए। इस वक्त आपका इस्तीफा देना सिर्फ पार्टी के हक में नहीं, आपके हित में भी है। जी मनोहर जी, मैं ये बात पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उसमें आप कहिए कि आपके बेटे से जो हुआ उससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख हुआ है, इसलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर कोल्हापुर जाकर संतरे और केले की खेती करूं, यही ना? आप महाराष्ट्र में पार्टी की सेवा जारी रखिए, हालात फिर बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर देवधर, आप मिरेकल की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के चेहरे की बात कर रहा हूँ। देवधर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी बहन का चेहरा वैसा नहीं हो सकता जैसा कि पहले था। मुझे मेरी बहन का चेहरा वैसा ही चाहिए जैसा था। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक नहीं कई सर्जरी करनी पड़ेंगी और इन सब में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, वो मेरे बेटे की प्रॉब्लम है, हमारे परिवार की प्रॉब्लम है। क्या हुआ देवधर? कुछ नहीं, पहले जब सुना करता था कि किसी लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया है या किसी लड़की को दहेज के चक्कर में चला दिया गया है, माँ बाप को घर से निकाल दिया, तब समझ में नहीं आता था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। लिस्ट बनाओ, उन सबको सबक सिखाना है।